एक ट्रेंगल दिया हुआ है हमें ए बी सी और ये सर्कम कर रहा है एक सर्कल को ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर और यहां पर एक सेगमेंट है बी डी और डी सी इन टू विच बी सी इज डिवाइडेड बी सी को दो सेगमेंट में डिवाइड किया गया है बी डी और डी सी और यहाँ पर बी डी की लेंथ है एट सेंटीमीटर और डी सी की लेंथ है सिक्स सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है ए बी और ए सी को ये जो ट्रेंगल है ये तीन पॉइंट पे सर्कल से इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट तो डी हमें गिवन है बाकी दो पॉइंट को हम ई e और एफ मान लेते हैं नाउ जो सर्कल का सेंटर है ओ उससे हम ट्रेंगल के ए बी सी तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं और ये जो एफ ई e और डी हैं तीनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं सर्कल के विद द टेंजेंट्स तो इनको भी जो है सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं अब ये ओ डी ओ ई और ओ एफ जो है सर्कल की रेडियस हो गई और रेडियस हमें क्वेश्चन में गिवन है फोर सेंटीमीटर नाउ सी पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट बने हुए हैं एक तो सी डी और सी एफ तो अगर सी डी सिक्स सेंटीमीटर है तो सी एफ भी सिक्स सेंटीमीटर होगा क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट एक सर्कल पर सेम होते हैं तो इसी तरह से जो है बी डी एट सेंटीमीटर है तो बीई e भी जो है एट सेंटीमीटर होगा और हमें ए एफ और ए e नहीं दिए हुए हैं लेकिन हमें यह पता है ये दोनों इक्वल होंगे तो हम इन दोनों को एक्स मान लेते हैं और हमें जो है ए बी और ए सी फाइंड करना है अगर हमें ये एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी तो दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो इसको निकालने का तरीका है पहले हम एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी निकालेंगे तो एरिया ऑफ एबीसी को हम तीन ट्रेंगल के 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 एरिया सम इक्वल मान सकते हैं एरिया ऑफ इक्वल प्लस एरिया ऑफ बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ सी ओ ए अब इन तीनों ट्रैंगल का एरिया निकालते हैं तो हमारा एबीसी का एरिया आ जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रेंगल एओ बी होगा हाफ इंटू बेस बेस यहां पर एक्स प्लस एट है इंटू में हाइट जो है फोर है अच्छा रेडियस जो होती है वो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है इसलिए ये जो है परपेंडिकुलर है इसी तरह से एरिया ऑफ बी सी और सी ए भी सिमिलरली निकल जाएंगे तो ये होंगे हाफ इंटू सिक्स प्लस एट इंटू फोर और हाफ इंटू एक्स प्लस सिक्स इंटू फोर नाउ ये हाफ फोर से कैंसिल हो जाएंगे तीनों टर्म्स में तो ये आ जाएगा टू इंटू एक्स प्लस एट प्लस टू इंटू सिक्स प्लस एट को फोर्टीन लिख लेंगे और प्लस में टू इंटू एक्स प्लस सिक्स नाउ ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो टू इंटू एक्स प्लस एट हो जाएगा टू एक्स प्लस सिक्सटीन एंड टू इंटू फोर्टीन होता है ट्वेंटी एट और प्लस में टू इंटू एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा टू एक्स प्लस ट्वेल्व नाव टू एक्स प्लस टू एक्स हो जाएगा फोर एक्स और सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेल्व होता है फिफ्टी सिक्स अब हम इनमें से फोर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा एक्स प्लस फोर्टीन और यह आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी सी इक्वल टू फोर इंटू एक्स प्लस फोर्टीन अब हम इस ट्रेंगल ए बी सी का एरिया दोबारा से निकालेंगे दूसरे मेथड से हीरोन्स फार्मूला से और फिर इस एरिया ऑफ ट्रेंगल जो आया है हमारा इसे कंपेयर करके एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम फॉर्मूला से एस निकालते हैं पहले तो एस सेमी सेमीपेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू तीनों साइड का सम अपॉन में टू। तो फर्स्ट साइड है हमारी एक्स प्लस फोर्टीन अब एरिया ऑफ ट्रेंगल एबीसी का फॉर्मुला होता है अंडर रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तो अंडर रूट के अंदर पहले एस लिखते हैं एक्स प्लस फोर्टीन देन इन टू में एक्स प्लस फोर्टीन माइनस फर्स्ट साइड जो कि एक्स प्लस एट है तो ये जाएगा माइनस एक्स माइनस एट देन एक्स प्लस फोर्टीन माइनस सिक्स माइनस एट अन साइड एंड एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस सिक्स ये थर्ड साइड होगी नाउ इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस फोर्टीन एज इट इज और एक्स प्लस फोर्टीन माइनस एक्स माइनस एट हो जाएगा सिक्स एंड एक्स प्लस फोर्टीन माइनस सिक्स माइनस एट हो जाएगा एक्स और एक्स प्लस फोर्टीन माइनस एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा एट नाउ सिक्स इंटू एट होता है फोर्टी एट और फोर्टी एट का अंडर रूट होता है फोर रूट थ्री तो ये फोर रूट थ्री हो जाएगा और एक्स एज इट इज एंड एज इट इज अब इसे भी एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी के इक्वल रख लेते हैं अभी हमारे पास दो एरिया आ गए हैं इन दोनों में फोर जो है कैंसिल हो जाएंगे बचा हमारे पास x प्लस फोर्टीन इक्वल टू अंडर रूट थ्री एक्स एक्स प्लस फोर्टीन अब ये अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कराते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस फोर्टीन का स्क्वायर और इक्वल टू में अंडर रूट हट जाएगा ये हो जाएगा थ्री एक्स इन एक्स प्लस अब एक साइड x प्लस फोर्टीन का स्क्वायर है दूसरी साइड x प्लस फोर्टीन सिंगल है तो x प्लस फोर्टीन से स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास बचा x प्लस फोर्टीन इक्वल टू थ्री एक्स इसमें x को 3x के पास भेजते हैं तो 14 इक्वल टू थ्री एक्स माइनस एक्स आ जाएगा और 3x एक्स माइनस एक्स होता है 2x तो 2x एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन नाउ फोर्टीन को टू से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई सेवन अब इसे ए बी और ए सी में पुट कराते हैं तो ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस एट था तो ये हो जाएगा सेवन प्लस एट इक्वल टू फिफ्टीन तो ए बी आ गया हमारा फिफ्टीन सेंटीमीटर और ए सी जो है वो इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स था तो ये हो जाएगा सेवन प्लस सिक्स थर्टीन एंड ए सी आ गया हमारा थर्टीन सेंटीमीटर और यही हमें फाइंड करने थे